हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लास्ट वीडियो डाले थे, वो था हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो पार्ट वन था, अब हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। इसका मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस दे रहा था आपको, तो उसका पार्ट वन हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसी का पार्ट टू हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल ये सीक्वेंस पार्ट वन की बात ही होगा। पार्ट वन में जो सीक्वेंस था उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अबाउट एरोमेटिसिटी। क्या पढ़ना है, एरोमेटिसिटी के बारे में। अब एरोमेटिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एरोमेटिक, एक पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक, एक पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड किसको कहलाते हैं, किसको बोलते हैं, कौन का कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, इस तरह बात हम कर लेंगे। अब आओ इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहलाते हैं, उसका ढेर सारा एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफाइल हम किसको कहलाते हैं, उसका ढेर सारा एग्जाम्पल। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में, जो बहुत सारे रिएक्शन में यूज होता है। एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ, या फिर हम नॉन पोलर नहीं, जो पोलर सॉल्वेंट होता है इसका दो तरह का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। तो वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब आओ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट आइसोमरिज्म, ठीक है। अब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो आइसोमरिज्म देखेंगे दो तरह का होता है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ओके। स्ट्रक्चरल का हमने यहाँ छह तरह का पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे चेन, एक तो पढ़ेंगे पोजिशनल, एक पढ़ेंगे फंक्शनल, फिर रिंग चेन, फिर मेटामरिज्म, फिर टोटोमरिज्म। आओ स्टीरियो में दो तरह का पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल, एक पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशन। हमें ज़्यादा फोकस करना है कॉन्फिगरेशन, किसमें कॉन्फ़िगरेशन। इसका दो तरह, एक तो होता है जियोमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। आओ आप आइसोमर जब खत्म करेंगे तो इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट पढ़ना है, वो है रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड उसका टाइप्स। देखो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन कितना टाइप्स का हमें पढ़ना है, तो हमें यहाँ चार तरह का पढ़ना है। एक तो पढ़ना है एडिशन रिएक्शन, एक पढ़ना है एलिमिनेशन, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, एक पढ़ना है रीअरेंजमेंट। अब मैं आपको और भी दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, देखो एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं और क्या पढ़ना है। चलो आप देखते हैं, हमने बोला अभी हमें रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और चार तरह का पढ़ना है, लेकिन उनमें से जो अगर एडिशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर आपको पढ़ना है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ आपको पढ़ना है एलिमिनेशन के अंदर, मेनली आपको फोकस करना है बीटा एलिमिनेशन में, किसमें बीटा में। और बीटा में मेनली तीन तरह का पढ़ना है, एक तो E1 E2, यही दोनों मेन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके साथ साथ अगर आप JEE वाले हैं तो आपको थोड़ा E1CB पढ़ना है। क्या पढ़ना है, E1CB क्या होता है, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तब तो आपको ज़रूर बताएंगे। आप आओ फिर हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बीटा एलिमिनेशन, ओके। आप आओ सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना है SN1 SN2 SNI SN1 SN2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और लास्ट में आपको पढ़ना है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा होगा पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका। अगर इतने आप पढ़ लेंगे जो सीक्वेंस मैंने बताया तो आप ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा कमेंट बना लेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस में हाइड्रोकार्बन, बाकी जो 12 में है एल्किल हैलाइड, सॉरी हेलो एल्किन हेलोरिन, फिर एल्कोहल फेनोल इथर, फिर बाकी जो चैप्टर है। लेकिन आपको अगर ऑर्गेनिक अच्छा बनाना है तो मैं जिस सीक्वेंस से आपको लिख के यहाँ दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है। और पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक को तैयार कर पाएंगे, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैं सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ उसका प्रॉपर एक एक पार्ट हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक एक पार्ट हम लेकर आएंगे। जो सीक्वेंस में पहले उसका वीडियो पहले आएगा, तो हर एक पार्ट का वीडियो मैं यहाँ इस चैनल में डालने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो और मेरा जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे इस चैनल में केमिस्ट्री बाय कशिश में देख रहे हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है
तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।